जो भी कैंडिडेट RRC ग्रुप डी में PWD कैटेगरी या फिर CCA कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हैं, जब से कुछ जोनों का रिजल्ट जारी कर दिया गया, साथ में ये डिसाइड किया गया कि PWD के जो कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, उनके मन में सवाल है आखिर में हमारे पास हमारे जोन के जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, उस कमेंट को एक एक को रिप्लाई करना मुश्किल हो रहा है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपके सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। साथ में आपको डाउट है कि MD और HI की जो सीटें हैं वो लगातार खाली क्यों जा रही है, साथ में LD और VI की इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्या जा रही है, इसके पीछे क्या बात है। तो फाइनली गाइस मैं आज आपको इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूँगा, इसलिए फ्रेंड्स आप बिना स्किप किए बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहे। गाइस आपको पता है मैं PWD कैटेगरी के लिए स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और PWD के कैंडिडेट है आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ में गाइस रेलवे का कोई भी नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं जो मैं आपके सामने ओपन भी किया हूँ, टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में गाइस आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देखेंगे जब से आपके अभी तक में जो रिजल्ट जारी किए गए वो सबसे पहले अहमदाबाद जोन का आया था, फिर उसके बाद सिकंदराबाद जोन का आया और फिर उसके बाद जो है बिलासपुर जोन का रिजल्ट जारी किया गया। तब यहाँ पर कैंडिडेट के मन में सवाल है कि कमेंट आ रहे हैं लगातार कि हमारे जोन का रिजल्ट कब आएगा, हमारे जोन का कब आएगा, इतना ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि इसके अलावा कोई कमेंट भी नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा भी आप कमेंट कर सकते हैं अपने स्कोर कार्ड और साथ में आपने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया है। तो गाइस आप ये देखिए हम यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई ऑफिशियल वेबसाइट पे, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ। टारगेट डेट ऑफ द कंप्लीट ऑफ DV एंड डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल है वो यहाँ पर देखेंगे, जो आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई मार्च के पहले आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टारगेट रखा गया है कि इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में जो है आपका मेडिकल के एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो शॉर्ट लिस्टेड DB एंड मेडिकल के लिए है तो यहाँ पर देखोगे आपको एक डेट शो कर रही है, यहाँ पर सभी के बता दिए कि आपका शॉर्टलिंग जो DB वगैरह है वो कब से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो आप कोई भी जोन हो सभी जोनों का जो है ना, यहाँ पर लास्ट वाला जोन SCR जोन है इसका 15 फरवरी से सबसे लेट में है, बाकी सभी जो जोन है उनके कुछ की 8 फरवरी कुछ की 1 फरवरी, ये जो है तो एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट रखी गई है, मतलब इससे आपका 1-2 दिन आगे भी हो जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सेंट्रल रेलवे मुंबई का 1 फरवरी से DB है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो गाइस आपकी ये जो डेट है वो एक्सटेंड होकर आगे चले जाएगी, बट आपका बहुत ही जल्द जो है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आएगा, सभी जोनों का आएगा। यदि आप अपने जोन का देखना चाहते हैं तो ये आप टेलीग्राम पर शेयर किया हूँ, आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर शायद आपको अच्छे से दिखे या फिर ना दिखे। अब इसके अलावा गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा कि कल के डेट में जो बिलासपुर जोन का रिजल्ट जारी किया गया था वहाँ पर उसकी जो LD और साथ में VI कैटेगरी की इसकी कट ऑफ 90 नंबर 60 नंबर चलेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप यहाँ पर कमेंट मैंने शो कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं, इन्हों कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई, इन्होंने LD कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया था और 50.81 नंबर पर इनका सिलेक्शन हुआ। कहने का मतलब आप LD कैटेगरी की ही कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो LD कैटेगरी में 50 नंबर में सिलेक्शन हो रहा है तो VI की या फिर इससे कम नंबर में भी सिलेक्शन होगा, तो आपको कट ऑफ को लेकर बिल्कुल नहीं घबराना है कि जिस प्रकार से सिकंदराबाद की कट ऑफ जो थी वो इतना ज़्यादा MD की भी 63 चली गई और 65 तक चली गई, इतना ज़्यादा आपकी बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं जाएगी। सीटें क्यों खाली जा रही हैं और VI की, तो MD को यहाँ पर भी देख सकते हो कि वो एक कैंडिडेट को बिलासपुर जोन में बुलाया गया है लेकिन यहाँ पर वैकेंसी जो थी वो 7 थी, यहाँ पर 9 कैंडिडेट को बुलाया गया HI में लेकिन यहाँ पर वैकेंसी जो थी वो 19 थी। तो गाइस यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि कैंडिडेट जो हैं पासिंग मार्क नंबर भी नहीं ला पा रहे इन कैटेगरियों से, इसलिए इतनी कम सीटें। अब रही बात कि क्या फ्यूचर्स में MD और HI की सीटें जो है तो रेलवे के द्वारा GI और LD को दिया जाएगा, आखिर में वो ऐसे करते नहीं हैं, लेकिन इस साल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो बड़ा मुश्किल है, कम ही चांस है कि MD और HI की सीटें VI और LD को मिलेंगी।
आज कुछ जोनों का हो सकता है, हमें अप्रोक्सीमेट लगता है कि डेली एक जोन का रिजल्ट आ रहा है, तो आज भी किसी ना किसी जोन का रिजल्ट आएगा। और ये जो नोटिफिकेशन आता है शाम टाइम आता है 6 से 8 बजे के बीच में, इस बीच में आप जरूर अटेंड किया करें यूट्यूब चैनल को हमारी या फिर टेलीग्राम को। यहाँ पर यदि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा रिजल्ट से रिकॉर्डिंग, मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फाइनली गाइस, यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फाइनली गाइस, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विद मैथ फन।